हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, नमस्ते. आई एम सुरेश द्विवेदी एंड लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज के सेशन में हम कुछ ऐसे वर्ड्स पिक करेंगे और उनकी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जो अक्सर हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते समय या लिखते समय हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर या टाइम एंड टाइट वेट फॉर. फिर से सुनिए, टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर या टाइम एंड टाइट वेट फॉर, क्या करेक्ट है इन दोनों में? राइट, टाइम एंड टाइट. देखिए, जब कभी भी, ध्यान से समझिएगा, नाउन्स जो हैं उनको जब हम आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जब वो किसी एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, कोई एक पर्टिकुलर आइडिया के बारे में बता रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर आइडिया, किस चीज का आइडिया, वन आइडिया टू द माइंड, या वो रेफर करते हैं सेम पर्सन या सेम थिंग, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा. इस चीज को ध्यान रखेंगे. सो टाइम एंड टाइड यहां एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा. सो टाइम एंड टाइड एक यूनिट हो गया. सो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ब्रेड एंड बटर, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है. ब्रेड एंड बटर इज नॉट आर, ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड. अब इसे ऐसे समझिएगा, अगला एग्जांपल, द नॉवलिस्ट एंड पोएट, द नॉवलिस्ट एंड पोएट इज डेड. यहां जो मैंने बोला द नॉवलिस्ट एंड पोएट, ये दोनों एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. द पहले है हमारे पास, द नॉवलिस्ट एंड पोएट. यदि यही दो बार द यूज हो जाता, द नॉवलिस्ट एंड द पोएट, तो ये दो लोगों को रिप्रेजेंट करता. ध्यान रखिएगा, बिगिनिंग में द हमने इस्तेमाल किया और कहा द नॉवलिस्ट एंड पोएट, तो ये सिंगुलर एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इकाई है, एक यूनिट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा. सो द नॉवलिस्ट एंड पोएट इज डेड. इट्स ओके. चलिए नेक्स्ट समझते हैं. बट रिमेंबर, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस आपस में जब जुड़ते हैं और उनको एंड शब्द से जोड़ा जाता है, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब को फॉलो करते हैं. ध्यान रखिएगा, दो या दो से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस जब आपस में जुड़ते हैं, इसके पहले वाले में मैंने आपको बताया कि वो एक इकाई, एक यूनिट, एक पर्टिकुलर सिंगुलर चीज को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं. यहां पर दो अलग अलग चीजें और एंड से जुड़ रहे हैं, तो ये प्लूरल वर्ब को फॉलो करेंगे, प्लूरल ये काउंट किए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड एंड सिल्वर आ प्रेशियस मेटल्स. गोल्ड एंड सिल्वर इज नहीं, यहां गोल्ड अलग, सिल्वर अलग, राइट. नेक्स्ट, ही एंड आई, दो लोग हो गए, ही एंड आई वर प्लेइंग, दो लोग की बात हो रही है, एंड से जोड़ा गया. जब एंड से जुड़ेगा वो प्लूरल वर्ब को फॉलो करेगा, प्लूरल नाउन है, दो नाउन्स आपस में जुड़ रहे हैं, दो नाउन्स या प्रोनाउंस आपस में जुड़ रहे हैं, दैट्स व्हाई. नेक्स्ट बात करते हैं, बड़ा ही अच्छा सा सेंटेंस है और अक्सर लोग इसमें गलतियां कर देते हैं. जैसे हम बात करें आइदर, जिसे हम ईदर भी कहते हैं, नाइदर, जिसे हम निदर भी कहते हैं, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मैनी, ये क्या होता है? दिस इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर काउंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों ने इस लालच को देखकर घुटने टेक दिए, राइट, इस लालच के समक्ष, इस लालच के सामने घुटने टेक दिए. सो मैनी अ मैन, इज इट ओके? इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैनी अ मैन हैज सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन. सकम्ड, succumbed, मैनी अ मैन हैज सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन, मैनी अ मैन हैज डन दिस वर्क, बहुत से लोगों ने यह काम किया है. That's there. एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, each of these products is not are,
Each of these products is available in southern market. Next, एक example, neither या neither जिसे कहते हैं उसका ले लेते हैं. Neither of the two candidates या neither of the two candidates was earning. Neither of the two candidates was very competent. अब यहाँ पर जो हमने word इस्तेमाल किया, इसमें हमने singular verb को follow किया. ध्यान से सुनिएगा. Either, neither, each, everyone या many a, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करते हैं. इट्स ओके टू एवरीवन. अब हम अपनी थर्ड के बाद फोर्थ सीरीज को लेते हैं. इस सबसे पहले हमने किया जिसमें मैंने आपको बताया कि जब दो चीजें जुड़कर एक यूनिट को बताने का काम करें, जिसमें हमने टाइम एंड टाइड के बारे में जाना. दूसरा मैंने बताया कि दो नाउंस या दो प्रोनाउंस आपस में एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब को प्लूरल बन जाते हैं, प्लूरल वर्ब को फॉलो करते हैं. तीसरा अभी मैंने आपको बताया, आइदर नाइदर ईच एवरीवन मैनी. अब हम फोर्थ नंबर पर आते हैं. फोर्थ नंबर में जानिए, 10 मिनट्स, 10 मिनट के बारे में बात कर रहे हैं. सो 10 मिनट्स आर या 10 मिनट्स इज 75,000 रुपीज. मैंने किसी से कहा कि मेरा ये जरा आप काम कर दीजिए और इस काम का मेरे ऑफिस में ये थोड़ा सा रेनोवेशन का काम करना है, जरा रेनोवेट कर दीजिए, अमाउंट बता दीजिए कितना है. उन्होंने कहा इस काम के 75,000 पे करने होंगे. मैंने कहा 75,000? सो 75,000 रुपीज इज और 75,000 रुपीज आर, समझेंगे इसे. जब प्लूरल नाउन डिनोट करना शुरू कर देता है, ध्यान से सुनिएगा, जब प्लूरल नाउन डिनोट करना शुरू कर देता है किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी के बारे में, किसी स्पेसिफिक अमाउंट के बारे में, और वो एज अ होल रिप्रेजेंट करता है, एक पूरी इकाई की तरह रिप्रेजेंट करता है, तो उसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर फॉलो होता है. ध्यान रखिएगा, सिंगुलर वर्ब फॉलो करते हैं. सो यहां पर 10 मिनट्स जो मैंने अभी आपसे बात की थी, 10 मिनट्स के साथ इज यूज करेंगे आर नहीं. जैसे मैंने कहा 10 मिनट्स इज अलाउड टू ईच कैंडिडेट, प्रत्येक उम्मीदवार को 10 मिनट, बस प्रत्येक उम्मीदवार को. सो इज यहां इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट है जो मैंने अभी आपसे कहा 75,000 रुपीज. सो 75,000 रुपीज, फिर से मैं कह रहा हूं सिमिलर वर्ब फॉलो करेंगे, राइट? क्योंकि ये पूरी 75,000 रुपीज एक पूरी यूनिट और इकाई को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है. सो 75,000 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट फॉर दिस वर्क. यस, फॉर दिस वर्क इट्स अ लार्ज अमाउंट. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं. जैसे 10 किलोमीटर्स किसी ने कहा वॉक करना है, मैंने कहा चलो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 किलोमीटर आज वॉक करें. 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ. तो हमने इज इस्तेमाल किया, आर नहीं यूज की. नेक्स्ट सीरीज लेते हैं. अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ बुक्स, कुछ टाइटल्स, कुछ ऐसे काम प्लूरल फॉर्म में होते हैं पर वो पूरी सिंगुलर यूनिट और सिंगुलर इकाई को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, राइट? कलेक्टिव यूनिट बन जाते हैं टोटल मिला जुला करके. जब कोई प्लूरल नाउन प्रॉपर नेम को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, वो सिंगल ऑब्जेक्ट को बताने लगता है, या आप कह सकते हैं कलेक्टिव यूनिट को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है, सो दैट मस्ट बी followed by, उसको उसे हमेशा वो follow करता है, so that must be followed by a singular verb. For example, हम सब ने बचपन में गुलीवर की विचित्र यात्राएं पढ़ी होंगी, school days में पढ़ाया गया होगा, गुलीवर्स ट्रेवल्स के बारे में हमने पढ़ा होगा. तो यहाँ पर गुलीवर्स ट्रेवल बेसिकली जो ये गुलीवर्स का जो ट्रेवल है ये एक सीरीज, एक यूनिटी की इकाई को रिप्रेजेंट करने का काम करता है. सो गुलीवर्स ट्रेवल वॉज टॉट इन स्कूल डेज. बहुत अच्छी मीन्स स्टोरी स्कूल डेज में भी पढ़ाई जाती हैं इंग्लिश में, वो है हमारी अरेबियन नाइट्स. तो अरेबियन नाइट्स यहाँ पूरी एक सिंगुलर यूनिट और इकाई को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है. सो अरेबियन नाइट्स इज स्टिल इन डिमांड, आज भी लोग वो बुक्स ढूंढते हैं, खरीदते हैं, पढ़ते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद का. आई होप कि ये जो मैंने आपको कभी 5 अलग अलग सीरीज बताई आपके कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्पफुल होंगे. अब छठे और सातवें नंबर की तरफ मूव करते हैं. छठा नंबर आज का है, इजी है, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग इसमें गलतियां भी करते हैं, जानते हुए भी हम गलतियां कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल और पीपल्स, करेक्ट दोनों है, दोनों का मतलब अलग अलग. पीपल
जन समुदाय भीड़ को लोगों को कहते हैं जो लोग एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, ये पीपल। लेकिन जब पीपल्स वर्ड इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपसे ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे एक या किसी भी व्यक्ति को, मैं मोस्टली अपना ही एग्जाम्पल देता रहता हूँ, कि किसी व्यक्ति को मौका मिला यूनाइटेड नेशंस में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, इंडिया को मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और मैं वहां जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वहां पर मेरे लिए जितने लोग होंगे वो अलग अलग देश से, अलग अलग राष्ट्र से आए हुए लोग हैं, अलग अलग नेशंस के हैं, तो वहां पर वो मेरे लिए पीपल्स बन जाएंगे, पीपल नहीं बनेंगे। पीपल्स का मतलब हो गया नेशंस, वो नेशंस को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। जैसे हम सब लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा द पीपल्स ऑफ यूरोप, अभी हमने बात की ना द पीपल्स ऑफ यूरोप, तो ये पीपल्स यहाँ पर प्लूरल के फॉर्म में हमने इस्तेमाल किया, और ये बेसिकली पीपल भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, लेकिन पीपल्स अलग अलग राष्ट्र के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। कलेक्टिव यूनिट मीन्स हर देश के अलग 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 नागरिक वहां उपलब्ध हैं, नेशन को, राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने का वो काम कर रहा है। तो अभी डेली आपको सुनने को मिलता होगा कि द पीपल्स ऑफ यूरोप आर still suffering because of this COVID-19 coronavirus, that is there. People, हम normal अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करेंगे, many people were present over there, they all were happy, लेकिन peoples जो मैंने अभी बताया उस केस में आप फॉलो कीजिएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं नॉलेज और मैजिक के बारे में। फ्रेंड्स, नॉलेज और मैजिक ये दोनों हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अ नॉलेज और अ मैजिक, नो, He knows magic, yeah, he knows magic tricks. He knows a magic, nahin, we will not use it. Lekin, kuch cases mein, achha, knowledge mein es bhi nahin lagayega, knowledges mat kijiyega, magics mat kijiyega. Knowledge hoga, magic hoga. Knowledges nahin, magics nahin hoga. Haan, but kuch cases mein jahan par knowledge ka matlab hota hai information. Kisi cheez ki information aapke paas bahut achhe tarike se hai. So he has a good knowledge, yeah, he has a knowledge. He has a good knowledge of history. उसके पास इतिहास की अच्छी जानकारी है, information उसके पास अच्छी है. He has a good knowledge of Jaipur city. तो Jaipur city की उसके पास बहुत अच्छी knowledge है. तो यहाँ पर हमने इसको इस्तेमाल किया. Friends, I hope ये video आपके लिए काफी helpful रहेगा. कृपया आप अपने comments comment box में जरूर लिखें, शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और भी फ्रेंड्स में आप इसे भेजें, क्योंकि अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और वही मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि ये सेकेंड फेज जो लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ है, प्लीज़ 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 आप सब लोग मिल करके सहयोग करें और हम जल्दी ही इस कोरोना वायरस COVID-19 को हरा करके हम सब विजयी होंगे। एंड फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ऑनलाइन क्लासेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहें जरूर मुझसे कांटेक्ट करें। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि या तो एकेडमी के नंबर पर या एकेडमी की जो मेल है उस मेल ईमेल आईडी पर आप मेल सेंड करें, skl.gurugram@gmail.com या एकेडमी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7217844050। सो प्लीज आप इस पर, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ, फॉर अ वेरी गुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आई वुड से, एंड अलोंग विद दैट वॉशिंग ऑफ हैंड्स, क्लीनलीनेस, राइट, सेविंग ऑफ वाटर, पानी बचाएं, एक दूसरे की हेल्प करें, गवर्नमेंट के हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्लीज फॉलो करें, और जो हमारे लिए इस लॉकडाउन के फेज में काम कर रहे हैं उनको हमेशा थैंकफुल उनके लिए रहें, सल्यूट करें, थैंक्स बोलें, एंड अलोंग विद दैट बड़े बुजुर्गों का सम्मान और ख्याल बहुत जरूरी है, अपनी फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाएं और कोई भूखा ना रहे इसका भी जरूर ख्याल रखें। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन waiting for your positive response towards these sentences, means vocabularies, whatever I'm teaching, the sentences based on that and along with online classes. Thank you so much. Bye-bye and take care.